अरे भाई सुन, डिपो यूज करने से तेरा वन टैप लगने लगेगा, रजिस्टर ही वही यूज करता है। और इसकी बात बिल्कुल मत सुनियो, डिपो यूज करने से तेरा मोबाइल खराब हो जाएगा, प्रूफ क्लीन बताया था मुझे। हाँ एक मिनट, किसने बताया तुझे? वो मेरे मुंह से निकल गया। तो चलो तुम्हारे इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। 2 साल पहले डीपीआई के बारे में किसी को नहीं बताता और यहाँ तक मुझे भी नहीं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा बेटे, अब तो हमें बताओगे, हम गूगल नहीं कर लेंगे? हाँ लेकिन फिर भी तुम सुन लो, डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। लेट्स मी एक्सप्लेन। समझ लो आपकी स्क्रीन पर 2 फोटो हैं, अगर आप उसको 72 डीपीआई पर देखोगे तो वो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, और अगर आप उसी फोटो को 300 डीपीआई पर देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। आई नो तुमको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको नॉर्मल वे से समझाता हूँ। तो आप जितनी ज्यादा मॉल की डीपीआई को बढ़ाओगे, आपके मॉल का स्क्रीन का साइज और सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तुम सोचोगे कैसे मॉल का स्क्रीन का साइज बढ़ सकता है? कोई सेंस है इस बात की? तो सुनो, डीपीआई फीचर हमारे मॉल में इसलिए आता है ताकि आपको उसी के हिसाब से स्क्रीन पर टेक्स्ट और आइकन विजिबल हो। अगर आप किसी भी मॉल में डीपीआई को बढ़ा देंगे तो उसका टेक्स्ट और आइकन के साथ स्मॉल हो जाएगा और प्रोसीजर को लगेगा कि उसको कोई बड़ी स्क्रीन को आउटपुट देना है, इसलिए हमको ज्यादा सेंसिटिविटी मिलने लगती है। प्रोसीजर तो ये समझेगा कि हमने कोई बड़ी स्क्रीन ऐड कर दी है, बट उसको क्या पता हमने उसका समझ रहे हो ना। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक वो है कि इंडिया के सबसे फास्टेस्ट प्लेयर हैं, रजिस्टर देख लो और अदर फॉरेन के एमएटेन देख लो और इतने सारे मॉल प्लेयर हैं, ये डीपीआई का यूज करते हैं या नहीं करते। रजिस्टर और अदर प्लेयर्स को देखा जाए तो वो भी डीपीआई का यूज करते हैं, और मैं डीपीआई यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ, और अगर करता हूँ तो कितना करता हूँ, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर तुम में से कोई प्लेयर सोचते होंगे कि जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी उतनी ज्यादा तुम्हारे हेड लगेंगे। अगर तुम भी अगर ऐसा सोचते हो तो तुम एक नंबर के उल्लू के पट्टे हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर तुमको सही डीपीआई यूज करनी है तो अपने मॉल के हिसाब से रखना पड़ेगा। अरे भाई अब बताना कितनी डीपीआई रखनी है? तो सुनो, मैं अपनी डीपीआई बताऊँ तो मैं यूज करता हूँ 460। अगर आपका मॉल 2GB, 3GB और 4GB रैम वाला है तो आपके लिए मैं ऐसा यूनिवर्सल डीपीआई बताने वाला हूँ जिसको आप किसी भी मॉल में यूज कर सकते हो। तो यूनिवर्सल डीपीआई की 420, तो आपके मॉल में पहले से 360 होगी। और अगर आपका मॉल 2GB, 3GB और 4GB रैम का है तो आप अपने मॉल में 420 डीपीआई रख सकते हैं, और ये डीपीआई एकदम सेफ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस डीपीआई को चेंज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको अपने मॉल में सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट होम पर क्लिक करना है। अबाउट होम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर MIUI वर्जन पर क्लिक करना है 4 से 5 बार। अगर आपका मॉल MI का नहीं है, अगर दूसरी कंपनी का है तो आपके में बिल्ड नंबर लिख कर आ रहा होगा, आपको उस पर 4 से 5 बार क्लिक करना है, आपका डेवलपर ऑन हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिशनल सेटिंग पर। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन का। अब आपको यहाँ पर देखना है स्मॉल विद नाम से, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्मॉल विद लिखा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर 360 की जगह 420 कर देनी है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल है डीपीआई सेफ है या नहीं, ये इतना बड़ा सवाल है कि इसे कोई क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्लियर पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि मैं डीपीआई यूज करता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ डीपीआई कितना सेफ है और तुम्हारे लिए कितना सेफ हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, फोन बनाने वाली कंपनी अपने मोबाइल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं डालेगी जिससे मोबाइल डेड हो जाए। और सेकंड बात, डीपीआई यूज करने से तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ जाता है और आइकन छोटे हो जाते हैं, और आइकन इसलिए छोटे जाते हैं क्योंकि रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डीपीआई को कैसे यूज करना है। अगर आप न्यू या लेटेस्ट मॉल में 700 से 800 तक डीपीआई यूज करते हो तो वो चल जाएगा, और अगर आप 700-800 डीपीआई पुराने और ओल्ड फोन में यूज करेंगे तो वो नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो बहुत जल्दी गर्म होने लगेगा। आपने सुना होगा कि डीपीआई यूज करने से आपका मॉल गर्म होने लगता है और ब्लैक स्क्रीन भी हो जाती है। अगर आप लो डिवाइस में हाई डीपीआई को यूज करोगे तो आपका मॉल जाना हिट होने लगता है, क्योंकि उसकी स्क्रीन उसके काबिल नहीं है कि वो तुम्हारे इतनी डीपीआई को रन करा सके। तो यही रीजन है आपके मॉल में ब्लैक स्क्रीन क्यों हो जाती है। और अगर आपको डीपीआई यूज करना है तो आप 420 तक यूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, डीपीआई का सभी यूज करते हैं, भले ही आपको कोई बताए या नहीं बताए, लेकिन यूज सभी करते हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस इस वीडियो में यही था डीपीआई के बारे में, जो कुछ था वो मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड गाइस चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो गाइस मिलते हैं ऐसा ही अमेजिंग कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।